दिल्ली के हमीरपुर इलाके में एक कालीन और क्रॉकरी फैक्ट्री के गोदाम में गुरुवार शाम भयंकर आग लग गई। फायर सर्विस की तेज गाड़ियां आग बुझाने का काम कर रही है। वहीं दिल्ली के फायर सर्विस के डिविजनल ऑफिसर एसके दुआ ने बताया कि गुरुवार शाम 6:45 पर आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल की 4 गाड़ियां भेजी गई थी। अब यहां 23 गाड़ियां काम कर रही हैं। वहीं उन्होंने आगे बताया कि आग काफ़ी भयंकर लगी थी, जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। इस गोदाम में कॉर्पोरेट क्रॉकरी और कई तरह का सामान है। यहाँ फायर फाइटिंग का कोई सिस्टम नहीं है, इनके पास NOC भी नहीं थी, तो वहीं अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।